जो आए आपको गतखंड में पाठ एक नेता की कथा नाम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत देखिएगा, कॉपी को अपने पास रखिए, उसमें से कुछ प्रश्न लिखाएंगे, उसको लिखते जाइएगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक थोक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दे, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही को नया प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय हुआ और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी कोई यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब आप प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न नंबर एक, हालदार साहब कैसे कस्बे में जाया करते थे? आंसर, वह कच्चे मकानों वाला तथा केवल एक बाजार वाला कस्बा था। प्रश्न नंबर दो, कस्बे में कौन सी प्रमुख सार्वजनिक चीजें एवं स्थान थे? उत्तर लिखिए, ये थे का नंबर एक लड़कों का तथा एक लड़कियों का स्कूल, खा नंबर एक सीमेंट का कारखाना, गा नंबर दो ओपन एयर सिनेमा घर, घा नंबर एक नगर पालिका। प्रश्न नंबर तीन, यह कहानी किस प्रतिमा के बारे में है? आंसर, यह कहानी है मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की न्यूनतम लागत की प्रतिमा बनाने के बारे में। दैट्स ऑल।